जय माता दी। नहीं बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है मैरिड वुमन का ट्रेलर, जितने भी लोग यहाँ पर आए लोगों ने काफी तारीफ की है, तो अब आप बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? जी देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल के करियर में रखना बंद कर दिया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। अब उन्हें पसंद आए नहीं आए उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए। बहुत ही स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है। उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई, तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कॉन्टेंट एंड आई होप लोगों को पसंद आए। मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक टू वुमेन रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं, बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वॉज़ माई ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कॉन्टेंट बनाऊँ हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने के पहले मुझे पसंद आए, मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें सपोर्ट करने चाहिए। 8th ऑफ मार्च टुमारो जैसा कि ये स्ट्रीमिंग है, एंड जिस तरह से वुमेंस डे के मौके पर स्ट्रीमिंग है, एंड वुमेंस डे का हम देख रहे हैं वुमेंस का जिस तरह से दबदबा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, आपका हम देखते हैं डे बाई डे हर साल जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, पॉइंट वाला जी का आपका है, तो कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री में जिस तरह से वुमेंस डे का दबदबा बढ़ता है? मेरा तो ग्रोथ सचमुच बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज़ स्टोरीज आती हैं। टेलीविजन इज़ ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज़ हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज दैट इक्वेशन। आपने जैसे कि कहा कि टॉपिक है, वो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर देखिए थोड़ा सा देश का माहौल देखकर थोड़ा उसको सेंसिटिव ज़रूर बनाया गया है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम जो शो का मुद्दा है, जो शो का टॉपिक है, इज़ अबाउट चॉइसेस, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बुक। उस बुक को अगर मैं ज़्यादा चेंज करती तो उस बुक के साथ नाइंसाफी होती। सो बुक का इसेंस पकड़ के ही हमने बनाया है। लोगों का रिस्पॉन्स अभी एज वी नो, कुछ भी अगर बोल्ड होता है, शॉकिंग होता है, या लोगों के जो सोच के अलग से होता है, वो जितना प्रशंसा उसे मिलती है उतनी क्रिटिसिज्म भी मिलती है, ये बात हमें पहले से पता है। बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक है, एंड आई एम होपिंग लोगों को ये पसंद आए। हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी है, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फरवरी में
वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी और वील बी सेटिंग अप. बहुत टाइम हो गया है, यू नो इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री, एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ. यहाँ पर shooting a film called Thar with Fatima and Dad for Netflix. And yeah, I have this film that Vasan Bala called Spotlight out in May as part of the Ray anthology. Oh, fantastic! Well, that's also on Netflix. Yeah, yeah. Oh, so you're doing both of them. So they're both complete. So shot them during the lockdown, and now just have to look forward to the releases. So. Pretty cool, very exciting to see. Ekta about it, really looking forward to it, and it's quite progressive, I think, and bold to tell a story like this, and I think it's a great time to talk about these things, and I'm really looking forward to watching the show. I don't know, you know, so Riya has worked with Ekta in the past and they have a very good relationship, but I haven't spoken to Ekta about any work related stuff. It's more we're just family, we know each other, and that's. Yeah, so I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatima Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it, Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. So it's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So two releases to look forward to, and obviously AK vs. AK just came out. So these three films. Well, the two films that are coming out now are Netflix films. So there's no conversation of the box office anyway. I think that's the beauty of making things for these platforms, is you don't have to stress about
the numbers, because I've always believed that the box office is not a direct reflection of the quality of the film, but it's more about a consumer's desire to want to consume the film, right? So for example, you might see a restaurant that you really want to eat at, but once you go there, you realize the food is not very good. But by the time you've got there, you've already eaten the food and paid the bill, so it's too late, you know. But on the other hand, you might see a restaurant, it doesn't look so nice from the outside, but you go, your friends go, and they say the food is really good. And then people keep going back. So there's two ways to look at success, and you know, I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. You know, I think a quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, oh, you know, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. You know, that's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project. AK vs. AK is a passion project. Ray Spotlight is a passion project. Thar is a passion project. And eventually I will come back to theaters with the Bindra biopic. And if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office. And I think the world has changed completely in the last year and a half. You know, nobody expected the pandemic. Nobody expected the impact that was going to have on cinemas. And now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films, and let's see how people like them on these platforms. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Good luck. That's it. Of course, I'm very excited. Looks very fresh and very new, and I think best day to launch it is Women's Day, and it commemorates the lovely day that we have, and also it commemorates the beautiful feeling of love. By the looks of it, it says that we should not judge love based on gender or anything, and that's such a beautiful premise. So I'm very excited for everybody to see this. So. And tomorrow it's Women's Day, and Women's Day ke mauke par streaming ho rahi hai. Day by day jis tarah se Hindi film industry mein Women's Day ka dabdaba badha hai, to kaise dekhte hain aap Taahira ji? Main bahut khush hoon. Sabko dekhna chahiye tha. Bahut pehle dekhna chahiye tha. Ab dekh rahe hain. But it's never too late. I'm very very happy. We are the other half of the population, and we deserve equal respect and representation. So, Tahir, agar baat ki jaye, kafi lamba waqt raha aapko bhi Aayushmaan ke saath waqt bitane ka, agar baat ki jaye, so kuch uske bare mein bataiye. Kafi lamba waqt raha aur bade dino baad mulaqat ho rahi hai aapse. कोरोना वायरस का टाइम है, कहाँ मिल लेती मैं आपको ये भी बताओ. और आयुष्मान से क्या मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन. कुछ मेमोरीज बता दीजिए अगर लॉकडाउन की, अगर कोई याद. मैं क्या मेमोरी बताऊँ. ही इज़ शूटिंग, ही इज़ अवे, एंड आई रियली विश ही वाज़ हियर टू वॉच द स्पेक्टेकुलर शो दैट दिस लवली सीरीज इज. शूट कर रहा है, मज़े कर रहा है, जब आएगा तो हम मिलेंगे. और पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, हमारा देश ही नहीं, ये पूरा it's a worldwide phenomenon where men are given precedence over women. एक पेट्रियार्कल सेटअप है, पर बहुत ही ब्यूटिफुल बात है कि यहाँ पर
all of you are men from here to here, and we are talking about this, and you've come to cover this, which means you're a part of the movement. And I'm truly appreciative of the fact, and it just goes on to show that we are at a better place, and we still have a long way to go, but the fact that you all are coming in support just shows that it's a good place that we can make to live in. So, thank you. Thank you, guys. Thank you. Which way to go? Back? Okay. Thank you.